हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ हेडलाइंस पढ़ सकते हो जो किस तरह से होती हैं कि शादी का झांसा देकर करता रहा दुराचार, शादी का झांसा देकर पिछले 5 सालों से करता रहा दुराचार, शादी के आड़ में करता रहा दुराचार, मुकदमा दर्ज, इस तरह की बहुत सारी लाइन्स आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ये शादी का झांसा देकर बात आती है, करता रहा दुराचार, अब मान लेते हैं एक हेडलाइन है कि 5 साल से शादी का झांसा देकर करता रहा दुराचार, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब आपने कंप्लेंट लिखाई आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स तक आपके साथ दुराचार होता रहा। अब अगर वो एक्चुअल में दुराचार था तो आप 5 साल तक कहाँ थी, यानी कि अगर आपने 5 साल तक उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो उसमें आपकी पूरी सहमति थी। आपकी जो कंप्लेंट है वो खुद इस बात को कह रही है, अगर उसका सही मतलब निकाला जाए, 5 साल तक करता रहा दुराचार, क्योंकि अगर वो दुराचार होता तो जब उसने पहली बार किया था तो उसी समय आप थाने पहुंच जाती, ना कि 5 साल तक आप वेट करती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 5 साल तक अपनी मर्जी से आप ही उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए, आज जब आपका उसके साथ मनमुटाव हुआ तो आपने थाने में जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी करी है और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि अधिकतर केसों में ऐसा होता है। 100% तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन 90% जो इस तरह की हेडलाइंस होती हैं, इस तरह के मुकदमे होते हैं, उनमें यही होता है कि जो लड़की है उसने पहले लड़के से फ्रेंडशिप करी, फोन कॉल्स करे, वीडियो कॉल्स करे, हर तरह का उनके बीच में संबंध रहा, और उसके बाद जब बीच में मनमुटाव हुआ, शादी को लेकर बात आई या किसी और प्रकार का मनमुटाव हुआ, तो लड़की ने सीधा जाकर थाने में केस दर्ज करा दिया। कई बार दोस्तों इसमें यह भी होता है कि लड़का केवल इस वजह से शादी से मना करता है कि वो अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, और वो कहता है कि 1 साल रुक जाओ, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि 1 साल रुक जाते हैं, 1 साल के बाद हम शादी कर लेंगे, लेकिन लड़की को मंजूर नहीं होता और लड़की उससे पहले जाकर उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है। दोस्तों, रेप का मुकदमा एक बहुत ही गंभीर मुकदमा होता है और ये मुकदमा किसी की भी जिंदगी खराब कर सकता है, और स्पेशली तब जबकि ये झूठा मुकदमा है, तो आप सोच नहीं सकते कि जिस व्यक्ति पर यह इल्जाम लगाया गया है उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, उसके घर वालों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, और इसके बाद अगर उसे गलती से सजा हो जाए तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। रेप केस में जो एडवोकेट्स होते हैं उनका चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है, तो फाइनेंशियली भी वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और ये 376 IPC का जो मुकदमा है ये झेलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे केस में आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे इन चीजों को डील किया जा सकता है। तो दोस्तों, पूरा कानून जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आप लड़के हो आपके साथ भी कल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आज की जनरेशन ही ऐसी है कि बच्चा 10th क्लास में पहुंचता है और वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाती है, और वो एज भी ऐसी होती है 15-16 साल की, जहां पर पता बिल्कुल नहीं होता, मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं होती कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर लड़की ने जाके कंप्लेंट करा दी तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग बहुत कम उम्र में ये सब करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं 15 साल, 16 साल, 17 साल और 18 साल की एज में। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए, जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप फिजिकल रिलेशनशिप से बचिए, क्योंकि यदि कोई लड़की जो कि 18 साल से कम की है उसके साथ आपने फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए और उसने कंप्लेंट आपके खिलाफ दर्ज करा दी, या उसके माँ बाप को कहीं से बात पता चल गई और माँ बाप ने जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा दी, तो आप सोच नहीं सकते आपके साथ क्या होगा, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी और 376 IPC के साथ साथ आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगेगा। अभी जो पॉक्सो एक्ट होता है इसमें सजा के बहुत ही कड़े प्रावधान है, आप परेशान हो जाएंगे और आपका पूरा करियर, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। और गलती से अगर इस मुकदमे के अंदर आपको सजा हो गई ना, तो आप सोच नहीं सकते कि आपका और आपके परिवार का क्या होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, यदि आप इन एज में से बिलोंग करते हैं 16, 17, 18, 15, तो इन चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, वही थोड़ा रुक जाइए, और जिस भी लड़की के साथ आप रिलेशन रख रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप है, उसकी एज को जरूर ध्यान में रखिए। दूसरा दोस्तों, यदि आप 18 साल से ऊपर हैं, अब 18 साल से ऊपर का आदमी मैच्योर होता है, वो 20 साल का, 21 साल, 22 साल, 23 साल, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपके किसी के साथ रिलेशन है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, फिजिकल रिलेशन भी आपके बीच में है, तो आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे से जान लीजिए, उसकी सारी खामियां, उसकी सारी कमियां आपको पता होनी चाहिए
और वो ट्रस्टवर्दी होना बहुत जरूरी है। यदि आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है और आप इस तरह के रिलेशन बना रहे हो, तो यकीन मानो चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों को मुकदमों का सामना करना पड़ेगा और आपकी पूरी लाइफ इन्हीं सब में निकल जाएगी। इसलिए हमेशा जिस भी पार्टनर के साथ आप रिलेशन रख रहे हो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, विश्वासपात्र होना चाहिए, कि कल को अगर आप अलग भी हो जाएं तो आपको विश्वास हो कि वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसे पार्टनर के साथ आपको रिलेशन रखना है। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिसके साथ भी आपका रिलेशन है उससे सब कुछ आप पहले ही तय कर लें। उसे बता दिया आप कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, शादी के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कितने टाइम बाद आप शादी करेंगे, आपके परिवार की उस बारे में क्या राय है, ताकि ऐसा ना हो कि फिजिकल रिलेशन बनने के बाद लड़की इन सब के लिए बोले, आप मना करें और आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाए। अगर आप पहले से सारी बातें उससे करके रखेंगे तो कल को वो आपके इसके लिए नहीं बोलेगी, और अगर बोलेगी भी तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेगी। अब हम थोड़ी लीगल बात कर लेते हैं। आपकी और आपके पार्टनर यानी उस लड़की के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड जरूर करें, यानी कि जो आपकी फ़ोन कॉल्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग जरूर अपने पास रखें, क्योंकि उस समय पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकती या दे ही नहीं सकता, लेकिन बाद में ऐसा होता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको फ़ोन कॉल की सारी रिकॉर्डिंग रखनी है, और जो आपकी कम्युनिकेशन हो जिसमें अगर आप फिजिकल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है, तो ऐसी कम्युनिकेशन की बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्डिंग्स आपके पास अगर हैं तो वो बाद में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इवेंट्स के टाइम पे काम आएंगी। और इस पर मैंने वीडियो अलग से भी बनाई है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इविडेंस में कब कब चलती है और कब नहीं, आप उसको पूरी तरह से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसी रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखनी है। तो अगर इस प्रकार की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। इसके साथ साथ आप उसके साथ पिक्चर्स जरूर खिंचवाएं, बढ़िया बढ़िया जो आपकी रोमांटिक पिक्चर हो उनकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि कल को अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया कि आपने जबरदस्ती करी तो आप वो फोटोज कोर्ट में दिखा सकते हैं। उन फोटो में लड़की की भाव भंगिमाओं को देखकर, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर कोर्ट ये जज कर लेगी कि वो लड़की अपनी मर्जी से आपके साथ थी, तो वो भी इविडेंस में आपको बहुत काम आएंगे। फोटो अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अगर सारी सावधानियां रखने के बाद भी आपके ऊपर वो मुकदमा दर्ज कराई देती है तो दोस्तों फिर मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि झूठी FIR से कैसे बचें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो आपको ये भी मिलेगी कि जो व्यक्ति आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है वापस उस पर कार्यवाही करके उसी को जेल कैसे भिजवाएं, तो आप वो सारी धाराएं उस लड़की पर इम्पोज करवा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप उसको देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यदि वो लड़की FIR दर्ज कराई देती है तो उसके विरुद्ध आप ये कार्यवाही कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो ही जाता है तो फिर लास्ट में मेरी राय यही है कि अच्छे से अच्छा वकील अपने लिए करें, क्योंकि जो वकील होता है उसका रोल ऐसे मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बढ़िया वकील आपके मुकदमे को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकता है और आप कितने फंसे हुए हो आपको निकाल सकता है। और एक भूल आपकी, एक चुनाव आपका अगर आपने किसी गलत वकील को कर लिया तो वो आपके अच्छे खासे मुकदमे की रेड पीट सकता है और आपका जीवन अधर में लटक सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कभी भी पैसे को नहीं देखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज भी देना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वकील ऐसा करना चाहिए जो आपको बचा ले, क्योंकि ये 376 IPC या पॉक्सो के मामले बड़े मामले होते हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।